गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड करंटली आई एम इन सिंगापुर. तो मैं बैंकॉक गया था काफी दिन के लिए. आई थिंक आई वॉज देयर फॉर लाइक 10 days एंड आफ्टर दैट आई वॉन्टेड टू गो समवेयर एल्स एंड सिंगापुर इज जस्ट लाइक 2 hours अवे फ्रॉम बैंकॉक. तो मुझे लगा चलो मैं सिंगापुर भी चल जाता हूँ क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म वीजा है सिंगापुर का, सो आई कैन विजिट एनी टाइम एंड आई हैव माई फ्रेंड्स लिविंग इन दिस सिटी. आज है मेरा day 4 इन सिंगापुर. मैंने पिछले 3 दिन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि बेसिकली बैंकॉक का ट्रिप हुआ इतना थक गया था कि मैं दिनों रात सिर्फ सो रहा था. और सिंगापुर में बहुत 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 ज्यादा गर्मी हो रही है. मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी गर्मी होने वाली है. मैं जाने वाला हूँ यूनिवर्सल स्टूडियोज विच इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन द वर्ल्ड. दिस इज वन माई होटल लुक्स लाइक नॉट माई होटल जहाँ पे मैं रह रहा हूँ. बहुत बहुत बड़ा होटल है और ये ऑर्चर्ड रोड पे बना हुआ है. मेन जो इनकी रोड है यहाँ पे जहाँ पे सारी शॉपिंग वगैरह है वहीं पे बना हुआ है ये. बट ये जो होटल है ना थोड़ा पुराना बना हुआ है. दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग फॉर द डे बिकॉज इट्स गोना बी वेरी वेरी हॉट इन यूनिवर्सल स्टूडियो. Universal Studios for the third time in my life. It's pretty crowded. Finally inside. This is such a happy view, guys. I love Universal Studios. There's nothing beyond this. This is the emergency broadcast system. Now we're gonna go here to the Transformers ride. This is the best ride like you could ever see. One of the best rides. And we have to go express. So we have express ticket, not the normal ticket. So we're gonna go in directly. This is the property of coming in express. You actually skip all the lines. If you're coming here, express lena thoda mehenga rahega, but take express. I would suggest that. Otherwise, you'll be wasting time in a long queue. You don't want that. So before going to the ride, you need to pick up the 3D glasses. Now I'm gonna buy this coconut water because I'm thirsty. We're gonna go to the mummy ride. हमें यहाँ पे ये जगह मिली है जहाँ की फ्राइड चिकन वगैरह अवेलेबल है, तो यहीं पे खाने वाले हैं और देखते क्या क्या है लोग बस मील्स में. This is what I got for $27. I'm waiting. This is the spicy fried chicken and we have Cajun chicken tenders, some corn and cheese and coke. That's all we have. Okay. Yeah, that's fine. Come on. You can also sit there if you want. Okay, it's okay, no problem. Are you sure? Fried chicken has coconut powder on it. We're here on another ride. बहुत भीड़ है गाइस पीछे देखो. That's the profit of having an express pass because you'll just skip everyone else and you'll come in first go. यहाँ पे इन लोगों ने आधे से ज्यादा चीजें देखो बंद की हुई हैं. मोर देन हाफ ऑफ द प्लेसेस हियर आर शट एंड आई डोंट नो व्हाई. और इन लोगों ने कहीं मेंशन भी नहीं किया और उसके ऊपर से टिकट भी इन्होंने पूरी ही ली है. मतलब हम लोगों ने तो एक्सप्रेस ली थी तो काफी ज्यादा हम लोगों ने इस चीज के लिए पे किया था. बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग हियर व्हेन हाफ ऑफ द थिंग्स आर शट. तो पूरा ही बंद कर दो ना यार, पैसे मत लो लोगों से. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. वी हैव कम आउट एंड देयर इज रेसेस हर्शीज big 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 chocolate stores. Not really a chocolate person, तो मैं तो यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ. और ये सब इंडिया में मिलता है. इंडिया में भी क्या, वैंकूवर में मेरे को सब मिलता है, तो मैं बाहर उठा के तो नहीं लेके जाऊँगा. और मेरे घर पर भी आज तक कोई चॉकलेट खाता नहीं है. ओनली माई नेफ्यू ईट्स एंड वी अवॉइड गिविंग हिम सो मैनी चॉकलेट्स. सो बट दिस हाउ इट इज, इट्स अ ह्यूज एस स्टोर व्हिच इज फ्रिकिंग अमेजिंग राइट. So we are here in Chinatown. I just ordered some fried noodles and it has iska sar hai bhai isme ye kyun hai. I literally came to Chinatown to eat this chicken because this is freaking amazing. It's full of chili but really really good.
गुड मॉर्निंग. सो कल यूनिवर्सल स्टूडियो से आने के बाद आई वाज सो टायर्ड दैट आई वेंट आउट फॉर डिनर टू चाइनाटाउन एंड देन आई केम बैक होम एंड स्लेप्ट. कल मैं बहुत जल्दी सो गया था. आई थिंक आई स्लेप्ट एट लाइक 12:30 और समथिंग. नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और बाहर हो रही है बारिश सुबह से. सो आई होप आज का वेदर बेटर हो क्योंकि कल तो बहुत ज्यादा गर्मी थी. मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने भी नहीं गया क्योंकि इस होटल का ब्रेकफास्ट बहुत ही ज्यादा बकवास है. वही चार चीजें खिलाते हैं ये लोग रोज ही. पता नहीं, एक तो इतना बड़ा होटल बनाया हुआ, इतना पैसा लिया है इन लोगों ने, बट बहुत डिसअपॉइंटिंग है. और मुझे लगता है ओवरऑल सिंगापुर भी काफी डिसअपॉइंटिंग हो चुका है. मतलब अगर आप लोग प्लान करो यहाँ पे आने का तो मत आना क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रहा है. आई मीन देयर इज नथिंग. यू गाइज कैन गो टू थाईलैंड बेटर, फैमिली के साथ नहीं अकेले. बट या डोंट कम टू सिंगापुर, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम. कल यूनिवर्सल स्टूडियोज गए थे तो वहां पे आधी चीजें बंद थी. एक दिन पहले क्लार्की क्यू गए थे तो वहां पे आधी चीजें बंद थी. यहाँ पे होटल का लिखा हुआ था ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, और इतना पैसा देने के बाद भी सर्विसेज भी बहुत बेकार है, स्टाफ नहीं है इन लोगों के पास, और ब्रेकफास्ट भी बहुत बेकार है. टू मैकडोनल्ड्स टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट या ब्रंच क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है इस टाइम पे. और बाहर बारिश हो रही थी, अभी अभी धूप निकली है. और मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ऑर्डर किया. मैंने अपने लिए ऑर्डर करी है कैरमल लाते हैं, और मैंने एक कर्ली फ्राइज ली है जो यहाँ पे यहाँ की स्पेशलिटी है. मैंने बटर मिल्क चिकन बर्गर लिया है दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई. इसमें पाइनएप्पल भी है. व्हाट, इट हैज टू स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल, फ्राइड चिकन पीस ऑन द साइड. I paid somewhere about, I think, $16 for it. Oh my god. Some special masala on it and it was really good. Oh my god. This is so good. Chicken, fried chicken, mein sirf one piece hi hai. इसमें बहुत अच्छा अनियन और गार्लिक पाउडर का टेस्ट आ रहा है और ये स्पाइसी भी है. इट इज ह्यूज, सो गुड. गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं आया हूँ ब्रेकफास्ट के. नेक्स्ट डे चालू हो गया है और कल भी मैं काफ़ी जल्दी सो गया था 12:30 तक. और जिस होटल में मैं रह रहा हूँ, इस होटल का नाम है कॉनकॉर्ड होटल. कभी मत रहना यहाँ पे क्योंकि इसका ब्रेकफास्ट बहुत ही बकवास है. देखो रोटी, देखो पापड़ है, ये रोटी नहीं है, फ्रोजन है सब, बहुत बकवास है, मत रहना यहाँ पे. फिर मैं आया हूँ लिटिल इंडिया, जो कि बिल्कुल इंडिया की तरह लग रहा है. मैं आपको अंदर मार्केट दिखाता हूँ. ज़रूर है, फ्रूट्स भी देखो वही वाले जो अपने खाते हैं. आम अच्छे हो रहे हैं. हिंदुस्तान में वापसी यहीं से ही हो गई है. लिपस्टिक मिल रही है. इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लग रही है. सुबह मैंने डॉन्स खाया था और उसके बाद अभी बज गए हैं 5:20 एंड आई एम वेरी हंग्री. आ चुका है और यहाँ पे है मटन सुक्का, सुक्का मटन ऐसे करके कुछ नाम है इसका. ये है प्लेन रोटी और ये है चिकन बिरयानी. ट्राई करते हैं बिरयानी. यम. की वीडियो के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. बहुत सारे क्लिप्स होने वाले हैं इसके अंदर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. बाय.